अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शकील खान, प्रोमोवेब टिप्स ट्रिक्स डॉट कॉम। और दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट। ओके, कि प्रिपेयर स्टेटमेंट है क्या और हम क्यों यूज़ करते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट। ओके, तो दोस्तों, प्रिपेयर स्टेटमेंट के थ्रू से हम एसक्यूएल इंजेक्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी हम अपने डेटा को सिक्योर बना सकते हैं अगेंस्ट ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन। ओके, और एसक्यूएल इंजेक्शन जो एक हैकिंग अटैक है, और ये हैकर करता है, और वो हमारे वेबसाइट के बिहेवियर को वो चेंज कर सकता है, यानी हमारे वेबसाइट के बैकग्राउंड कलर को, यानी इस तरह के बिहेवियर को वो चेंज कर सकता है। तो किस तरह से हम अपने डेटा को सिक्योर बना सकते हैं अगेंस्ट ऑफ MySQL SQL इंजेक्शन। ओके, और दोस्तों, इससे पहले MySQL क्वेरी में जब हम अपने डेटा को सिक्योर करते थे अगेंस्ट ऑफ MySQL सॉरी SQL इंजेक्शन, तो इसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते थे जिसका नाम है MySQL रियल एस्केप स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम वो वैल्यू पास करते थे जिसको हम सिक्योर बनाते थे अगेंस्ट ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, लेकिन MySQL आई में हम यूज करते हैं इसके लिए प्रिपेयर स्टेटमेंट। ओके, इस कोड को मैं यहाँ से करता हूँ रिमूव, और यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले रेफरेंस ऑफ कनेक्शन, इसके बाद प्रिपेयर, और दोस्तों अब यहाँ पर मैं डेटा को करूँगा इंसर्ट। तो यहाँ पर इंसर्ट इनटू सीआई यूजर, एक था नेम, दूसरा था ईमेल, अब यहाँ पर वीडियोस। और दोस्तों, रिमेम्बर वन थिंग, यहाँ पर हम वीडियो को डायरेक्टली पास नहीं करते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट में। ओके, क्योंकि जब हैकर अटैक करता है तो वो अटैक इस ही लाइन पर करता है। ठीक है, यानी वो अटैक इस लाइन पर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वीडियो को डायरेक्टली पास नहीं करेंगे जिस तरह से हम MySQL में करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम पास करेंगे क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा नेम के लिए, और ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा ईमेल के लिए। और अब इस सेकेंड लाइन में मैं यहाँ पर वीडियो को मैं असाइन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं करता हूँ ना स्टोर ए क्वेरी एवल में, तो वो है क्वेरी। अब यहाँ पर रिप्लेस ऑफ क्वेरी, अब इसके बाद दोस्तों जब हम वीडियो को असाइन करते हैं तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बाइंड फ्रॉम। और दोस्तों अब यहाँ पर ये लेता है दो पैरामीटर। इसका जो पहला पैरामीटर है इसमें हम स्पेसिफाई करेंगे जिस वीडियो को हम इंसर्ट करते हैं, ये वीडियो इंटीजर है या स्ट्रिंग है या फ्लोट है या डबल है। तो स्ट्रिंग के लिए हम यूज़ करते हैं एस, और इंटीजर के लिए आई, फ्लोट के लिए एफ, और डबल के लिए डी। तो मेरे पास ये नेम भी स्ट्रिंग है और ईमेल भी मेरे पास है स्ट्रिंग। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सिंगल कोट के अंदर एस स्ट्रिंग के लिए, जो हो जाएगा इस नेम के लिए। अब यहाँ पर अगेन एक अनदर एस, जो हो जाएगा इस दूसरे ईमेल के लिए। ठीक है, ये एस हो गया नेम के लिए, और ये दूसरा एस ईमेल के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है स्ट्रिंग, यानी हमारा वीडियो है स्ट्रिंग। और अब यहाँ पर मैं असाइन करूँगा वीडियो को जो हमारे पास है नेम के बाद ईमेल। अब यहाँ पर मैं रन करूँगा क्वेरी को, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एग्जीक्यूट, यानी मैं क्वेरी करूँगा एग्जीक्यूट। यहाँ पर डेटा एज इंसर्टेड, थैंक यू, कंट्रोल एस, MySQL आई ओप्स कनेक्शन,
एक्सिक्यूट एक्सिक्यूट ठीक है। अब यहां पर मैं आऊंगा तो यहां पर आप देखें ना, फरहान यहां पर आ गया। ठीक है, अगर इसको मैं चेंज करूं फरहान खान और ईमेल को मैं करूं फरहान खान कंट्रोल एस रिफ्रेश, यहां पर भी यहाँ पर आप देखिए ना फरहान खान और फरहान खान एट द रेट ऑफ gmail.com। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रिपेयर स्टेटमेंट है क्या और हम क्यों यूज करते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ अगेन दोस्तों। यहाँ पर मैंने दिया रेफरेंस ऑफ कनेक्शन जो मेरे पास है DB, इसके बाद मेथड का नाम जो है प्रिपेयर। अब यहाँ पर इंसर्ट क्वेरी, इंसर्ट इनटू टेबल, इसके बाद नेम ऑफ कॉलम्स, इसके बाद वीडियोस, और यहाँ पर मैं और अब यहाँ पर हम वीडियो को डायरेक्टली पास नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर मैं दिया क्वेश्चन मार्क जो हो गया इस नेम के लिए, और ये दूसरा क्वेश्चन मार्क हो गया इस ईमेल के लिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर वीडियो को मैंने बाइंड किया, यानी यहाँ पर मैंने वीडियो को असाइन किया। इसके लिए हम यूज करते हैं मेथड बाइंड पराम। इसके बाद यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया कि ये दोनों वीडियो मेरे पास है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के लिए हम यूज करते हैं एस। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास वीडियो है टू, यहाँ पर मैंने डबल एस लगाया, और ये मेरे पास हो गया नेम और ये हो गया ईमेल। इसके बाद मैंने क्वेरी को किया एग्जीक्यूट और यहाँ पर एको डेटा इज इंसर्टेड, थैंक यू। तो दोस्तों आई होप कि किस तरह से हम यूज करते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट और क्या था इसका फायदा, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप इसको शेयर कर सकते हैं, आप लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई मसला हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज़ आप कमेंट भी करें, और ऑल्सो सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।